नमस्कार, ओएनआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। अंधे हत्याकांड का 24 घंटे में पर्दाफाश, रामपाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आपको बता दें कि 3 और 4 फरवरी के दरमियान रात्रि को ग्राम उमरवाड़ा में माणिक राम पिता रोशन लाल रहंडाले उम्र 55 वर्ष की उसी के पोल्ट्री फार्म में नृशंस हत्या की सूचना थाना रामपाली को मिली थी, जिसमें मृतक के खून से लथपथ शव उसके कमरे में पाई गई, जिसमें उसके सिर में बुरी तरह चोटें पहुंचाकर हत्या की गई थी। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर थाना रामपाली के थाना सुनील पनोरिया एवं उनकी पूरी टीम द्वारा अंधे हत्या कत्ल की विवेचना की गई, जिसमें 24 घंटे के अंदर ही मृतक के अज्ञात हत्यारों को गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि उमरवाड़ा के ही आरोपी हेमेंद्र उर्फ विक्की के भाई लक्की उर्फ चेतेंद्र की बीमारी के संबंध में आरोपी मृतक के ऊपर जादू टोना का शक कर इस बात को लेकर दोनों में एक वर्ष पूर्व विवाद हुआ था, तथा हेमेंद्र पिता सुंदरलाल ठाकरे इस बात से लेकर रंजिश रखता था और आरोपी हेमेंद्र पिता सुंदरलाल ठाकरे उम्र 24 वर्ष, तानसेही पिता बाबूलाल हरिन खेड़े 30 वर्ष, चेतेंद्र पिता सुंदरलाल ठाकरे 27 वर्ष एवं मोनू उर्फ विपुल गौतम ने इसी वजह से 3 और 4 फरवरी की दरमियान रात्रि में करीबन 11 से 12 बजे के बीच चारों आरोपियों ने मृतक के पोल्ट्री फार्म में जाकर उसे पकड़कर कुल्हाड़ी से लगातार मारकर नृशंस क्रूरता पूर्वक हत्या कर भाग गए, जिसमें साक्ष्यों के आधार पर 3 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि आरोपी विपुल उर्फ मोनू गौतम परसवाड़ा निवासी थाना तिरोड़ी घटना के बाद से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। इस पूरे मामले में एसडीओपी अरविंद श्रीवास्तव, थाना प्रभारी सुनील पनोरिया, उप निरीक्षक शिव पूजन मिश्रा, उप निरीक्षक सुभाष ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक मनोज पंचबुधे, नरेंद्र ठाकुर, प्रधान आरक्षक नखिलेश अग्निहोत्री, विवेक ठाकरे, शोभेंद्र ढहरवाल, घनश्याम डहरिया, चालक पटेल की मुख्य भूमिका रही। वो भी जब तक अभी वो नहीं आया है, तो अभी तक तो यही कहानी सामने आ रही है कि जादू टोने के शक पे ही उसको मारा गया। तो हमारी टीम के द्वारा ये मुझे लगता है कि बहुत ही जिस समय से सूचना मिली वो बिल्कुल ब्लाइंड केस थे। हमें कुछ नहीं पता था कि क्या पर्पस है, कौन है, किन लोगों ने मारा है। तो इनिशियल लीड से लेकर बिल्कुल फाइनल तक बहुत ही शानदार काम एसडीओपी वारासिनी साहब के नेतृत्व में रामपाली की टीम उस समय जो थाने को देख रहे थे शिव पूजन वर्धमान थाना प्रभारी लोगों के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया और रात भर इन लोगों ने काम करके जो मुख्य आरोपी थे तो सुबह 5 बजे राउंड किया। क्रिमिनल रिकॉर्ड नानू का नहीं है, लेकिन जो भी फरार है उसका चल रहा है, जो ये जेल से भी छूट गया है मुझे बताया गया है, तो इसका रिकॉर्ड भी हम लोग देख रहे हैं। और एक बार वो इससे फर्दर पूछताछ में ही ज़्यादा जानकारी हमको मिली। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओएनआई न्यूज़ इंडिया।